हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर की यातायात व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। शहर के मुख्य बाजार में जगह जगह खड़े अस्त व्यस्त वाहन और हाथ ठेले दुकानदारों और राहगीरों के लिए परेशानी बने हुए हैं। वहीं अनलॉक के बाद बाजारों में बढ़ रही भीड़भाड़ और अस्त व्यस्त खड़े वाहनों से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को जाम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसी स्थितियों के बीच कुछ दिनों पूर्व यातायात प्रभारी ने यातायात बिगड़ने के कारण क्रेन उपलब्ध नहीं होना बताया था, लेकिन क्रेन मिलने के सप्ताह भर बाद ही शहर की यातायात व्यवस्था जो कि त्यों ही बनी हुई है। मुख्य स्टेशन रोड की बात करें तो यहां प्रतिदिन दर्जनों चार पहिया वाहनों के साथ सैकड़ों दो पहिया वाहन अस्त व्यस्त खड़े नजर आते हैं और इस मुख्य सड़क पर सब्जी एवं फल फ्रूट के दर्जनों हाथ ठेले अपनी मन मर्जी से सड़क के बीचों बीच खड़े नजर आते हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं शहर के संकड़े सदर बाजार के हाल इससे भी बुरे हैं। यहां मुख्य सड़क पर अस्त व्यस्त वाहनों के खड़े होने से पल पल जाम की स्थितियां देखने मिल रही है। इसके अलावा सिंहधरी चौराहा, चौहटन चौराहा, चौहटन रोड फाटक, दाणी बाजार, अहिंसा सर्कल समेत शहर के मुख्य मार्गों पर मनमर्जी से खड़े वाहन आमजन की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर डीसीएन लाइव ने जब क्रेन पर तैनात यातायात कर्मी शंकराराम से बात की तो उनका कहना था कि कार्मिकों की कमी से वाहनों को डिटेन करने में परेशानी आ रही है। शंकराराम के अनुसार क्रेन के संचालन में दो यातायात कर्मी और एक चालक तैनात है। दो कार्मिकों के होने से वाहन को डिटेन कर क्रेन पर चढ़ाने में काफी परेशानी आ रही है। ऐसे में क्रेन के माध्यम से अनाउंसिंग कर अस्त व्यस्त वाहनों को व्यवस्थित किया जा रहा है और नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस क्रेन की आवश्यकता बता रही थी। क्रेन उपलब्ध हुए करीब सप्ताह भर बीत चुका है, लेकिन शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। वहीं क्रेन के माध्यम से यातायात प्रबंधन में लगे यातायात कर्मी कार्मिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं और शहर की यातायात व्यवस्था दिनों दिन बदहाल होती नजर आ रही है। चौराहों पर मनमर्जी से खड़े टेम्पो टैक्सी जहां वाहन चालकों के लिए परेशानी बने हुए हैं, वहीं मुख्य बाजारों और मार्गों पर अस्त व्यस्त खड़े वाहन और हाथ ठेले भी बिगड़ती यातायात व्यवस्था में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।